नवरात्र का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देवी माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, पंडाल बनाए जाते हैं, साज सज्जा की जाती है। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके में अन्नपूर्णा माता के मंदिर पर नवरात्रि के भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए पूरी और सब्जी का प्रसाद बनाया था। भंडारे की शुरुआत होने पर सभी लोगों ने पंगत में बैठकर खाना खाया था। प्रसादी खाने के करीब 1-1.5 घंटे बाद से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई। प्रसाद खाकर करीब 16 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। लोगों की अचानक तबीयत खराब होने पर इलाके में हड़कंप सा मच गया। मरीजों की संख्या अधिक बढ़ने पर सभी को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से अस्पताल ने मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बीमार लोगों में महिला और बच्चे भी शामिल है। प्रमुख चिकित्सा डॉक्टर सरमवीर सिंह को यह मामला फूड पॉइजनिंग का नहीं लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि खाने में धतूरा मिला दिया हो। इनकी सैंपलिंग कर ली गई है, आगे जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। मामले की सूचना पाकर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा भी जिला अस्पताल पहुंचे। विधायक ने मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही विधायक बोहरा ने जिला अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को 2,000 रुपये उपचार के लिए दिए। स्पेशल डेस्क से पलक गुप्ता की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।